हे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा सूरज यानी सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और सभी प्लैनेट्स इसके सर्कल में अपनी एक ऑर्बिट में घूमते हैं। स्टार्स, सन और इनकी ग्रेविटी से इनके आसपास घूमने वाले सभी प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एक्सेट्रा सभी सोलर सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपने सोलर सिस्टम में गिने जाने वाले सभी प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा। जब हम छोटे थे तब हमें ऐसा सिखाया गया था कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन दोस्तों उस वक्त जो 9th प्लैनेट था जिसका नाम था प्लूटो, उसे 2006 में यानी 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था और इसकी वजह से अभी सिर्फ 8 प्लैनेट ही हैं। और इसलिए इस वीडियो में हम उन सभी 8 प्लैनेट्स के नाम और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला प्लैनेट जो है वो है ये, इसे हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। ये प्लैनेट सन के सबसे ज्यादा करीब है और इसलिए बहुत गर्म रहता है और ये प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। दूसरा प्लैनेट है ये, इसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में वीनस कहते हैं। इसका एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 90 टाइम्स ज्यादा डेंस होता है। इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती है जैसे हमारा मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इसके सरफेस का टेम्परेचर करीब 400 डिग्री सेल्सियस होता है। इंडिया में हॉटेस्ट टेम्परेचर समर में मैक्सिमम 52 से 53 या 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सोचिए 400 डिग्री कितना होगा। इसलिए वहाँ कोई ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तीसरा जो प्लैनेट है वो है ये हमारी पृथ्वी है जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। दोस्तों पूरे सोलर सिस्टम में अपनी अर्थ ही एक ऐसी प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ का ही एटमॉस्फेयर ह्यूमन लाइफ के लिए सुटेबल है और इसके पास एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको हम मून कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम लोगों ने बहुत भेजे हैं, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है यानी हमारी धरती पे सिर्फ एक ही है। चौथा प्लैनेट है ये, इसे हिंदी में मंगल ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में मार्स कहते हैं। ये अर्थ और विनस प्लैनेट से छोटा है। इस प्लैनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। इसका कलर रेड है जो इसकी मिट्टी में होने वाले बहुत ज्यादा आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। और आप सबको पता ही होगा कि एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है जिसका नाम है एलन मस्क, वो उनकी कंपनी स्पेसएक्स से लोगों को इस मार्स पर एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं। उम्मीद करता है वो उनके मिशन में सक्सेसफुल हो। पांचवा प्लैनेट है ये, इसे हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। इस प्लैनेट पे हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा होता है और जिस तरह अर्थ के पास मून के रूप में सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह जुपिटर के पास 79 नेचुरल सैटेलाइट्स है। और 79 सैटेलाइट्स में से इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है गैनीमेड, जो कि मर्करी प्लैनेट से भी बड़ी है। छठा प्लैनेट है ये, इसे हिंदी में शनि ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। ये एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है, जिसका मतलब ये है कि अगर सैटर्न प्लैनेट को पानी में रखेंगे तो वो उसमें डूबेगा नहीं बल्कि उसमें तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। और ये आपको पता ही होगा, जिस किसी भी चीज़ की डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो उसमें डूबता नहीं, वो उसमें तैरता है। जैसे आप पत्थर को पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। अगर आप प्लास्टिक को पानी में रखेंगे तो वो प्लास्टिक तैरेगी, उसमें डूबेगी नहीं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और इसी तरह सैटर्न की भी डेंसिटी पानी से कम है। इसकी जो रिंग्स होती है वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े और मिट्टी के कंकड़ से बनी होती है। सातवां प्लैनेट है ये, इसे हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। और ये सन से दूर होने की वजह से बहुत ठंडा होता है, जिसकी वजह से ये स्पेस में बहुत कम हीट रिलीज करता है। इसके पास इसकी खुद की 27 नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमारे पास मून एक इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह से इसके पास 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और सोलर सिस्टम का जो आखिरी प्लैनेट है वो है ये, इसे हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं और इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ये यूरेनस प्लैनेट से थोड़ा छोटा है लेकिन उससे हैवी है और इसके पास उसके खुद के 14 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम है ट्राइटॉन। और दोस्तों एक प्लैनेट था जो 1930 में डिस्कवर हुआ था, यानी 1930 में डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम था प्लूटो और उससे 2006 तक 9th प्लैनेट माना जाता था। लेकिन 2006 में जब प्लैनेट्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया तब इस प्लैनेट को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया और तब से सिर्फ 8 प्लैनेट की काउंट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सभी 8 प्लैनेट्स के नाम बताए, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में और उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आगे बना सकें। सब्सक्राइब करें।